हे एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए जो एपिसोड लेकर आई हूँ उसे कहते हैं मंडाला पेंटिंग, मंडाला या मंडला आर्ट। सारे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करने वाले आर्ट को हम मंडाला आर्ट कहते हैं। यह किस तरह से बनाया जाता है यह आपको जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मंडल को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम सर्कल स्टार्ट करते हैं और इस सर्कल से ही सारी ड्राइंग कंप्लीट होती है या मंडला आर्ट बनती है। इसे मंडल आर्ट या मंडाला आर्ट भी कहते हैं। भारत एक धार्मिक देश है। मंडल एक धार्मिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक सर्कल है। ये रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मांड के मन को शांति, पॉजिटिविटी के लिए। मंडल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आप देखेंगे एक पॉइंट से जो मंडल आर्ट स्टार्ट होती है इसी के चारों ओर सर्कल में घूमती है। आप देखिए ये जो एक पॉइंट स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से ही चारों ओर सर्कल में, इसे जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक असीम शांति प्राप्त होगी। ये मंडल पूरे वर्ल्ड में फेमस है ही, और योगा सिखाने वाले या आयुर्वेदिक कोर्स करवाने वाले मंडल को स्पेशली यूज़ करते हैं। और लोग आजकल अपने घरों को सजाने के लिए, पूजा घर में या घर को सुंदर दिखाने के लिए या एक पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए मंडल पेंटिंग्स बनाते हैं। मंडल को डिज़ाइन करने वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने कई मंडल डिज़ाइन और ड्रॉ किए हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप भी एक बहुत अच्छा मंडल तैयार कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको कुछ मंडला पेंटिंग्स दिखा रही हूँ। देखिए जैसे एक पेंटिंग है और सारे पेंटिंग सर्कल से ही बने हैं। ये कलरफुल सन मंडला आर्ट है। ये ड्रीम कैचर मंडला आर्ट है। देखिए आप एक सर्कल एक पॉइंट से ही कितने तरह के मंडला आर्ट बना सकते हैं। ये सिंपल वाटर कलर मंडला आर्ट है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको मंडला आर्ट कैसे बनाई जाती है इसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू।